चल पड़े हैं हम लोग इम्फाल से, जा रहे हैं एंग्लो मणिपुरी वॉर म्यूज़ियम, जो कि इम्फाल से 34 किलोमीटर्स दूर है। लगभग 1 घंटा लगेगा। इम्फाल से मोरे रोड पे आप जाएंगे तो बीच में पड़ता है वो मोरे, एक बॉर्डर टाउन है जिसका भी व्लॉग मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। इस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पहुंच के मैं आपको कहानी सुनाऊंगा द हीरोइन ऑफ मणिपुर की, इथेल ग्रीनवुड, द हीरोइन ऑफ मणिपुर। इनका नाम याद रखना आप। इथेल ग्रीनवुड मथुरा इंडिया में पैदा हुई थी 4th अक्टूबर 1867 में, और इनकी खासियत यह है कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलती थी। और इनके पति का नाम था फ्रैंक ग्रीनवुड, जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे इम्फाल मणिपुर में 1890 में। स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है वर्ल्ड टॉलेस्ट सॉर्ड, तलवार के स्टैच्यू। यही मेन विजिबल अट्रैक्शन है इस वॉर मेमोरियल का। कितना सुंदर एंट्रेंस है। 1850 से 1886 तक मणिपुर के राजा थे महाराजा चंद्र कीर्ति सिंह। चंद्र कीर्ति सिंह के 6 रानियां थी, 6 रानियों से 10 बच्चे उनको हुए थे, 10 राजकुमार उनको हुए थे। तो सबसे बड़ी रानी थी, उनके 4 बेटे थे, सूरचंद्रा, पकासना, केसरजीत, गोपालासना। जो उनकी दूसरी रानी थी उससे उनके 2 राजकुमार थे, कुलचंद्रा और गंधार सिंह। जो उनकी तीसरी रानी थी उससे उनका 1 राजकुमार था, तिकेंद्रजीत। जो उनकी चौथी रानी थी, ऐसा बोलते हैं, उनके बच्चे छोटी उम्र में ही मर गए थे। जो पांचवी रानी थी उससे अगुसना 1 राजकुमार थे। जो छठवीं रानी थी उससे जिला नगम्बा, ये ऐसे उनके 8 राजकुमार थे। महाराजा चंद्र कीर्ति के समय मणिपुर स्टेट ब्रिटिश राज का प्रोटेक्टरेट था। 1887 में चंद्र कीर्ति की डेथ हो गई तो उनके जो सबसे बड़े राजकुमार थे सूरचंद्रा, वो महाराज बने। पर तिकेंद्रजीत और कुलचंद्रा सिंह को ये चीज़ सही नहीं लगती थी, तो उन्होंने कई बार सल्तनत पे अटैक किया। तो ये सब देख के सूरचंद्रा रिज़ाइन करके वहाँ से चले गए, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और वहाँ से चले। 1890 में युवराज कुलचंद्रा महाराज कुलचंद्रा हो गए और युवराज तिकेंद्रजीत सेनापति हो गए मणिपुर स्टेट के। ये इंसिडेंट होने के बाद जो पुराने महाराजा थे सूरचंद्रा सिंह, वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के पास गए। उन्होंने अपील की कि मुझे मेरा राज वापस दिलवाइए जो मेरे छोटे भाइयों ने लूट लिया है। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ने उनकी बात सुनी और अपने कमिश्नर ऑफ आसाम को ऑर्डर दिया कि आप जो नए महाराज हैं कुलचंद्रा सिंह, उनको राजा मान लीजिए, और पर उनके जो सेनापति हैं तिकेंद्रजीत सिंह, उनको अरेस्ट कीजिए। 22 मार्च 1891 में J.W. क्विंटन, चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम, ये ऑर्डर सुन के इम्फाल पहुँचे और उन्होंने तिकेंद्रजीत से कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, और महाराजा कुलचंद्रा से कहा कि आप ये राजपाट छोड़ दीजिए। पर दोनों ने क्विंटन की ये बात नहीं मानी। उसी रात ब्रिटिश ट्रूप्स ने हमला कर दिया, कुछ सिविलियंस की जान चली गई। ये देख के मणिपुरी सेना ने ब्रिटिश ट्रूप्स को घेर लिया। क्विंटन कुछ कुलचंद्रा से बात करने लगे, लेकिन भीड़ ने फ्रैंक ग्रीनवुड को उस रात मार डाला। फिर क्विंटन को डिटेन किया और 24 मार्च 1891 में उनकी गर्दन काट दी गई। इस इंसिडेंट्स के बाद जो ब्रिटिशर्स मणिपुर इम्फाल में रहते थे, जिनमें कि आपकी हीरोइन ऑफ मणिपुर इथेल ग्रीनवुड भी थी, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड रिट्रीट के बाद वहाँ से चली गई। इथेल ग्रीनवुड तिकेंद्रजीत की बहुत अच्छी दोस्त थी, क्योंकि दोनों हिंदुस्तानी बोलते थे, और इथेल ग्रीनवुड के पति फ्रैंक ग्रीनवुड तिकेंद्रजीत और उनके भाइयों के साथ पोलो भी खेला करते थे। इस इंसिडेंट के बाद शुरू हुई असली लड़ाई। ऑन 31st of March 1891 ब्रिटिश सरकार ने अपनी मिलिट्री फोर्स भेजी मणिपुर। 3 आर्मी भेजी उन्होंने। एक आर्मी कोहिमा से भेजी अंडर कमांड ऑफ मेजर जनरल एच कॉलेट। एक सिलचर से भेजी जो असम में है अंडर द कमांड ऑफ कर्नल RHF रैनिक। और एक भेजी टामू जो बर्मा में है अंडर द कमांडो ब्रिगेडियर जनरल टी ग्राहम।
और मणिपुर आर्मी को लीड कर रहे थे उनके सेनापति तिकेंद्रजीत। अब इन दोनों आर्मीज के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड थी और मणिपुरी आर्मी तलवारों से लड़ती थी। फिर भी मणिपुरी ट्रूप्स का वैल्यूर देखना यह है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और फाइनली 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश आर्मी ने कांगला फोर्ट जीत लिया और 23 मई 1891 को युवराज तिकेंद्रजीत को ब्रिटिश फोर्स ने अरेस्ट कर लिया। अब इथेल ग्रीनवुड, जो कि इंग्लैंड वापस पहुंच चुकी थी, वो क्वीन विक्टोरिया पे प्रेशर बनाने लगी कि तिकेंद्रजीत को फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि उन्होंने उनके हस्बैंड को मारा है। पर क्वीन कहती थी कि अगर हमने प्रिंस को ही फांसी पर लटका दिया तो वहाँ के लोग हमें डिसलॉयल समझेंगे और आगे और परेशानी हो सकती है। पर इथेल ग्रीनवुड ने क्वीन को कन्विंस किया कि उनके हस्बैंड की डेथ के अलावा भी उन्होंने तिकेंद्रजीत ने बहुत सारे क्राइम किए हैं। फिर 13 अगस्त 1891 को थंकल जनरल और तिकेंद्रजीत को पब्लिकली फांसी दी गई। इस दिन को मणिपुर में पैट्रियोटिक डे, देशभक्ति दिवस के नाम पे आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। 22 सितंबर 1891 को एक 5 साल के छोटे बच्चे चूरचंद्र सिंह को मणिपुर का महाराज बना दिया गया। पोलो ग्राउंड में जहां थंगल जनरल और तिकेंद्रजीत को फांसी पर लटकाया था, वहां पे आज की डेट में एक शहीद मीनार मॉन्यूमेंट बना हुआ है। वहां का भी मैं ब्लॉग बना के ज़रूर से डालूंगा। और कांगला फोर्ट का भी मैंने ब्लॉग बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अभी सराउंडिंग के जो व्यूज़ हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसको एंजॉय कीजिए। 3 और फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ। पहला, 1857 के रिवॉल्ट में जो किंगडम ऑफ मणिपुर थी, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन का साथ दिया था। दूसरा फैक्ट, 4 अप्रैल 1891 में जब मणिपुरी फौज ने ब्रिटिश सिपाही को अरेस्ट कर लिया था, तो सरप्राइजिंगली उन्होंने 4 अप्रैल 1891 में 51 हिंदुस्तानी सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में जॉब करते थे, उनको 5-5 रुपये दे के रिलीज़ कर दिया था घर जाने के लिए। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड में एक माउंट हैरियट है, उसका नाम चेंज करके माउंट मणिपुर किया गया है, क्योंकि राजा कुलचंद्रा और बहुत सारे मणिपुरी फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी की जेल दी गई थी और उनको माउंट हैरियट की एक जेल में रखा गया था। तो रिसेंटली माउंट हैरियट का नाम चेंज करके माउंट मणिपुर रखा गया है।